नहीं लगा। अब्बा जी के दो ना लगा। अब्बा जी कह रहे थे बोले उस जमाने में मैं थोड़े बजाने लग वर्कशॉप की थी ना, तो उससे कुछ बात जानना चाहते थे आपके टाइम में कैसे। बोले तब मैं बजाने लगा था और बोले मेरे बारे में चर्चा होती थी, क्या होती थी, जमाना कैसे था। देखिए जैसे दाती दा का बजाया बताया ना, बोले ये ऐसा तबला वादक है कि चंद जी में सबसे संपत्ति यही कहता है। सबसे संपत्ति यही कहते मतलब इतना टाइम और पैसा आगे। इतनी पुरानी बात नहीं है अगर आप वैसे सोचें। वैसे तो पुरानी नहीं है, 50s की बात है। बिल्कुल ऐसी कोई पुरानी बात नहीं है, 1950s में ये ऐसी सोचती है। इतना चेंज हो गया तो मतलब ये टाइम के साथ जाने वाले कलाकार लोग कौन है, इसकी हिस्ट्री बढ़नी चाहिए और उनका करेक्ट योगदान क्या है। सही कह रहे हैं, तो इसके ऊपर मतलब बहुत अच्छी टीका टिप्पणी होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है कि एक्चुअली इस चीज से क्या क्या उन्होंने बोया कि जिस वजह से ये इतना बढ़ गया। ये है अभी जैसे संगीत की जो एक एक मतलब जो क्या कहते हैं संगीत का जो सफर है वो 400 साल में सपोज यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन पिछले 70 साल में यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल बहुत चेंज हुआ और बहुत शॉर्ट, और उसमें ऐसे लोगों का योगदान है, पिताजी हुए, किशन महाराज जी हुए, और कुछ साउथ का इन्फ्लुएंस और वो सब उससे खुलने से यहाँ इतना उन्नति हुई है कि बोल ही नहीं सकते। और वाकई इसके ऊपर एक आप क्या बोलिए टीका टिप्पणी मतलब टीका मतलब सटीका मतलब अच्छी बातें टीका मतलब उसका रॉन्ग मीनिंग लेते हैं। लेकिन वाकई जो चेंज आया है पिछले 60-70 ईयर्स में इट्स रेवोल्यूशन हमारे म्यूजिक में। बिल्कुल, और अब बार बार ऐसा होता है कि इस सेंचुरी के कौन कौन कलाकार फिर उनकी बायोडाटा, लेकिन एक्चुअली उनका वर्क क्या है उसके ऊपर बात नहीं होती। बात नहीं होती, यहाँ बजाए थे, इनके साथ बजाए थे, ये अवार्ड मिला, वो हुआ, वो सब एक्चुअली उसके आगे मतलब एक्चुअल योगदान क्या है, एक्चुअली योगदान पे बात ही नहीं, बात ही नहीं होती। अभी मुझे इजाजत है, मैं चाहूंगा कर्जत वो वेट करेंगे शंकर।